अगेन जैसे कि इन्होंने क्लियर किया कोई ट्रेडिंग इनको नहीं करनी है बल्कि इन्वेस्टमेंट इन्होंने रिसेंटली करना शुरू किया। दूसरा है मैसगांव डॉक, यहाँ पर 270 गेन की बाइंग है। तो बताइए दोनों पर आपके सजेशंस। So yes, if we are looking at Reliance Mazagon Dock, jinhone bhi suggest kiya hai, both the stocks are looking good on a chart setup too and even the fundamental front. So Reliance काफी strongly placed है nowadays और आप देखिए फिलहाल मैम की position profitable भी है। मुझे लगता है position में आपको बने रहना चाहिए। Immediate high 2850 का है, once उसे cross करते हैं, we are expecting कि 2850-3300 के levels की तरफ एक medium term outlook अगर आप रखते हैं तो बढ़ता हुआ दिखेगा। और मुझे लगता है नीचे की तरफ अगर आप फर्दर एड ऑन करना चाहते हैं, इन एनी केस रिलायंस आपको 2600 के लेवल्स के आसपास दिखता है तो आप फर्दर एवरेज कर सकते हैं और अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। एक स्टॉप लॉस अगर सिंस आप इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2550-2550, जो की 20 डेज एवरेज के नीचे है। अदरवाइज आई बिलीव आपको एवरेज करना चाहिए नीचे के लेवल्स पर अगर मिलता है 2600 के आसपास एवरेज और कीजिए, अपनी कॉस्ट को कम कीजिए, बने रहिए अपने पोजीशन पर इन केस ऑफ रिलायंस। अनदर स्टॉक दीपाली जी मेस्टॉक का है तो डिपेंड्स ऑलरेडी द फ्लेवर और मेस्टॉक प्रोबेबली जो मैं देख पा रही हूँ शायद 270 के लेवल पर बाय की है और फिलहाल अभी ये एक सपोर्ट जोन के पास टेक्निकली हमें दिख रहा है। स्लाइडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट जहाँ पर यूजुअली हम लोग देखते हैं बाइंग इमर्ज होते हुए दिखती है, फ्लेवर में भी है पूरा सेक्टर। मुझे लगता है यहाँ भी इन्हें अपनी पोजिशन को मेंटेन करना चाहिए। अगर क्लोजेस बेसिस आप 230-240 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव ऑन द मज़ाक टॉप टू। प्रीवियस हाइज की तरफ ये बढ़ता हुआ देख सकता है, जब वी आर एक्सपेक्टिंग 320 तक के लक्ष्य के तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा तो होल्ड योर पोजिशन ऑन मज़ाक टू विद स्टॉप लॉस 230-240 का क्लोजिंग बेसिस पर मेंटेन कीजिए। मेंटेन कीजिए, गुड लक आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए।